टुडे और टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं बेसिकली नंबर फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वन जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट तो आइए पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में फ़र्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन एंड द ईयर 1945 द लेक लाइक द लैफ लाइक मेम्ब्रेंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर फर्स्ट सीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ चेक एम्ब्रियो सेल पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कब डिस्कवर्ड हुआ था 1945 में और कौन से सैज में डिस्कवर्ड हुआ था चेक एम्ब्रियो सेज में उसके साइटोप्लाज्म में ये एक लेस लाइक मेम्ब्रेन्स थे जिसको एंडोप्लाज्म क्रिटिकुलम का नाम दिया गया राइट दीज आर मेम्ब्रेन्स बाउंड चैनल्स सीन इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ डिलीकेट स्ट्रेंड्स एंड इन वेजिकोपलाज एंट्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तो है ये क्या है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड बाउंड चैनल्स होते हैं राइट right? ये मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क बनाती है स्ट्रेंड बनाती है एंड वेजिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में तो इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिजीज और ये भी याद रखना फॉर दी इंपॉर्टेंट इम्पॉटेंट पॉइंट है एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है या सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनि है यानी सिंगल मेम्ब्रेन होता है इस पे दीज फॉर्म इन एंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूज वेद एंड वेदन सेल्स एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकोलम में हमारे पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं वेजिकल्स होते हैं सिस्टर्निया होते हैं राइट right? तो ये तीन चीज़ें मिलकर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकोलम बनाता है एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकोलम आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन अलॉन्ग विद माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफेलमेंट एंड इंटरमीडिएट फैलमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये साइटोस्केलेटन जो है जिसकी थ्री टाइप्स है माइक्रोट्यूज माइक्रो एंड एंटरमीडिएट फेंट्स राइट तो ये ये किस चीज़ से बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंसीडर्ड होते हैं इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय पोर्टर क्लॉड एंड फुल एम इन नाइनटीन फोर्टी फाइव आर इज नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले पहले किसने ऑब्जर्व किया था पोटर क्लाउड ने राइट right 1945 में एज आ नेटवर्क द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पोर्टर एंड फुलमैन राइट इन 1952 ये याद रखना कि पहले पहले ऑब्जर्व किया था पोटर क्लाउड एंडफुल है, हमने ठीक है ना 1945 में और नाम जो है एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम ये किसने दिया था पोर्टर एंड फुल मैन ने दिया था 1952 में राइट ओके अब सा एंडो प्लाज्मिक सेल्स के कहाँ पे होता है लोकेशन इसका क्या होता है प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टिक सेल एंडिक रेटिकुलम तमाम यूक्रियाटिकल यानी तकरीबन तमाम यूक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं उसमें एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम पाया जाता है और जो प्रोक्रियाटिक सेल होता है ठीक है ना ऑर्गेनिजम होते हैं उसमें एंडोप्लाजमिक रेडिकोलम नहीं होता दीज आर बाउंड टू बी एबजेंट एंड मच्योर सेल्स राइट ओके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा एक्सेप्शनल केस ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम जो है ये मिच्योर सेल्स में नहीं पाया जाता जिस तरह हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स है यानी और बी सी ओवा है ठीक है ना एक्सेस है सेल्स हैं एंड प्रोकैरियोट्स हैं

मुख्तलिफ़ सेल में अमाउंट ऑफ रेडिकुलम मुख्तलिफ होता है जिस तरह इन स्पॉर्मेटोसाइड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्यू विक्यूल्स ओनली ठीक है ना स्पर्मेटोसाइड सेल्स जो होती है उसमें एंडोप्लाजमिक रेडिकुलम इज अ फ्यू विक्यूल जो है इसको इस तरह होता है इन दैल्स ऑफ अ डिपोज टिश्यू एट इसम्पल हैंग दाम ऑफ अ फ्यू ट्यूब ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडिपोज टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बहुत क्वाइट सैम्पल होता है राइट और किस तरह होता है कुछ टूब यूज होते हैं इस तरह क्वाइट सैम्पल होता है द सेल्स डेट आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन सच एज लिवर एंड सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट हैव रेटिकुलम और याद रखना वो सेल्स जो एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन करते हैं यानी जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं एक्टिवली जिस तरह लीवर सेल्स है पिनक्रियाटिक सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म 30 टू 60% परसेंट ऑफ द टोटल मेमब्रेन इन अ सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 30 टू 60% परसेंट सेल बनाती है राइट ओके ऑरिजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकोलम के एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम की ओरिजिनेशन कहाँ सी हुई एट प्रेजेंट मैनर ऑफ ऑरिज़न ऑफ द एंडोप्लाजमिक इज नॉट डेफिनेटली नॉन द मोस्ट कंक्रीट हाइपाथिस इज देड द एंडोप्लाजमिक क्रेडिकोलम इज बडेड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप। अभी तक कहते हैं कि एंडोप्लाजमिक क्रेडिकोलम का जो ऑरिज़न था वो मलूम नहीं था लेकिन ज़्यादा कंक्रीट हाइपाथिस के मुताबिक वो ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकोलम जो है ये बर्डेड ऑफ होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप से राइट और ये जो हाइपोथेसिस है ये किसका हाइपोथेसिस है हाइपाथिस हैटी 1974 में उसने पेश किया था सेकंड पॉइंट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स टू अरइज फ्राम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलेप बाय आउट फोल्डिंग आर फ्राम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई एन फोल्डिंग राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप में टू मेम्ब्रेन्स होते हैं एक होता है आउटर मेम्ब्रेन एक होता है इनर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स होता है वहाँ से ज़ाहिर होता है वहाँ से ओरिजिनेट होता है बाय आउटफोल्डिंग राइट वहाँ से आउट फोल्डिंग करता है और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से देखें तो कभी कभार क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम अपीयर होता है एन फोल्डिंग अब ये आउट फोल्डिंग एन फोल्डिंग का वर्ड आपने याद रखना है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक सीम टू अरइज़ फ्राम दी रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेडिकोलम बाई डिटेचमेंट ऑफ राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक जो है ठीक है ना ये अडाइज़ होता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम से लेकिन डिटेचमेंट ऑफ राइबोसोम का मतलब ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम में राइबोसोम्स नहीं होते वहाँ पे डिटेच होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं राइट ओके देयर आर टू बेसिक मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम नेमली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज थिनर 50 एंगस्ट्रम देन दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट्टी टू हंड्रेड एक्स्ट्रम थ होता है राइट ओके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो है ये थिन होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और उसकी थिकनेस दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है 50 50 एंगस्ट्रम होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एट्टी टू हंड्रेड एक्सट्रम तेक होती है ओके अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर दी है राइट <coughs> यहाँ पे आप लोग को दिखाई देते हैं न्यूक्लियर पोर है एंड न्यूक्लियर एनवेलप है आउटर आउटर में ऑफ़ न्यूक्लियर एनवेलप से क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होते हैं बाय आउटफोल्डिंग ठीक है ना और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम अराइज होते हैं विद अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम ओके इस पिक्चर से आप लोग को क्लियर हो गया अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम का फिजिकल स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम इज थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ एंट्रा सेलुलर ठीक है ना ये एंट्रा सिलर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है सेल के अंदर इट इज़ फॉर्मड ऑफ थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले भी हमने पढ़ा कि ये थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना होता है सिस्टर्निया ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स अब सिस्टर्निया पढ़ते हैं कि सिस्टर्निया क्या होता है दीज आर फ्लैट ऑन सेक लाइक एलिमेंट एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम अगर आप लोग देखें तो उसमें फ्लैट एंड ऑन ब्रॉन्ज सेक लाइक एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम सिस्टर्निया कहते हैं ठीक है दे लाई इन स्टेक्स पैरल टू वन एन अदर और सिस्टर्निया जो होते हैं ये जो फ्लैट एंड ऑन ब्रॉन्ज सेक लाइक एलिमेंट्स होते हैं ये पैरल होते हैं एक के ऊपर दूसरा होता है जिस तरह क्वाइंस हम एक के ऊपर दूसरा रखते हैं उसी तरह ये सिस्टर्निया भी क्या होते हैं अरेंज होते हैं राइट दे बियर राइबोसोम्स ऑन द सरफेस दैट दियर फॉर अपीयर रफ और सिस्टर्निया के ऊपर इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं इस वजह से ये रफ दिखाई देते हैं इस वजह से ये अपीयर्स होते हैं रफ इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन नेम्ड रोफोरिन वन एंड रोफोरिन टू देट बाइंड द राइबोसोम्स ओके अब सिस्टर्निया जो है ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से और उस ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम है राइबोफोरिन वन एंड राइबोफोरिन टू और इस प्रोटीन इस ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन ये होता है कि ये राइबोसोम्स को बाइंड रखते हैं अटैच रखते हैं दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आम सिक्यूज़ दूसरा हमारे पास एलिमेंट है ट्यूब यूज दीज आर इेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट विच फॉर्म नेटवर्क अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं एर ब्रांचिंग एलिमेंट्स है और सिस्टर्निया क्या आते हैं अनब्रांचिंग एलिमेंट्स थे एक डिफरेंट ये आ गया और ये एक नेटवर्क बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ यानी या वेजिकल के साथ या सिस्टर्निया के साथ दीज आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम्स और ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये अक्सर फ्री ऑफ राइबोसोम्स होते हैं ट्यूब्यूल के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि ट्यूब्यूल जो है वो राइबोफोरिन नहीं होता इस वजह से यहां ओके अब हमारे पास है वेजिकल्स दीज आर ओवल एंड राउंडेड विक्यूल लाइक एलिमेंट वेजिकल क्या होते हैं ओवल राउंडेड विक्यूल लाइक एलिमेंट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम के दीज आर आल्सो फ्री ऑफ रोम्स और इसके साथ भी रॉइबोसोम्स अटैच नहीं होते लाइक ट्यूबयूज आल द एलिमेंट ऑफ एंडो प्लाजमिक रेडिकोलम फ्रीली कम्युनिकेट्स विद वन अनादर याद रखना एलिमेंट्स ऑफ एंडो प्लाज्मिक रेडिकोलम जो है ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड कंटेन अ फ्लूड कॉल एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन जो होता है जो बॉडी होती है वहाँ पे एक फ्लूड पाया जाता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं दिज मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्राम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आउटसाइड दी एंडोप्लाजमिक रेटिकोलम ये भी याद रखना साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाजम में जो फ्लूड होता है उससे ये एंडोप्लाजमिक मैट्रिक्स एंडोप्लाज्मिक फ्लूड जो है ये डिफरेंट होता है इन नेचर इन एंड कैमिकल नेचर द एंडोप्लाजमिक रेटिकोलम मे पास फ्रॉम वन सेल टू इनदर थ्रू द प्लाज्माो डस्मेटा इन द फॉर्म डेस डेस्मो ट्रिब्यूल्स एंडोप्लाजमिक जो है ये एक सेल से दूसरे सेल में क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पे पास होते हैं प्लाज्मोडस डस्माटा के जरिए इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोड ट्यूब्यूल्स इम्पोर्टेंट फॉर एम पॉइंट ऑफ व्यू कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से दूसरे सेल्स में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वट इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोड ट्यूब्यूल्स ओके यहाँ पे बहुत क्लेर सा स्ट्रक्चर एंड प्लाजमिक्रेटिकोलम का दिया गया है जिसमें आपको न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इनवेलेपोसटर्निया और सस्टर्निया स्पेस जिसको हम ल्यूमन कहते हैं सिस्टर्निया है ठीक है ना? ये सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं ओके मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम कैस चीज़ से बना होता है दी मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम आर कंपोज ऑफ़ टू लेयर ऑफ फास्ट फूड लेपड मालिक्यूल सैंडविच बाई टू लेयर ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल लाइक अदर मेम्ब्रेन इन दी सेल वॉल अगर आपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो 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 मैंने उसका लेक्चर भी बनाया है वो आप देख ले उसमें हमारे पास जो उस सिलवाल के जो मॉडल्स पेश किए गए हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किए हैं तो वो भी पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि सिलवाल का स्ट्रक्चर किस तरह है और वो किस चीज़ से बना होता है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम जो है वो टू लेयर्स ऑफ आज मॉलिक्यूल से बना होता है और टू लेयर ऑफ़ प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है जिस तरह सेल मम्ब्रेन का बना होता है राइट right? सेल मम्ब्रेन और सिलवाल ओके टाइप्स टाइप्स क्या है दी एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम इज ऑफ टू टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम के दो टाइप्स है एक है स्मूथ और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाजिक्रेटिकोलम तो पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम के ये क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्म इज एन अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स वर्जिकल एंड सेक्स वही बात है द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम वेर बिटवीन द सेल्स मुख्तलिफ सेल्स में एस ई आर का साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है

फंक्शन या कोई रिक्वायरमेंट सेल को होती है तो वो सेल अपने आप को अडॉप्ट करती है तो वो एडोप्टेशन किस की मदद से करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्रिटिकोलम की मदद से करती है याद रखना देयर आर नो राइबोसोम्स अटैच टू दी मेम्ब्रेन सरफेस स्मूथ एंड प्लाजिक का जो मेम्ब्रेन होता है उसके साथ अटैच नहीं होते इस वजह से इसको स्मूथ दिखाई इस वजह से ये स्मूथ दिखाई दे रहा है इस वजह से दैट इज़ कॉल स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकोलम द एस आर इज़ कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप ओके ये तो स्ट्रक्चर में दिखाई देता है कि एस ई आर जो है वो भी कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर एंडवेलप के साथ

Large of to the cell ये भी वही पॉइंट रिपीट किया गया है द नेटवर्क ऑफ दर अलाउस देअर टू बी एन एफ सर्फेस एरिया फॉर द एक्शन स्टोरेज ऑफ की एनजाइम आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनजाइम ओके स्मूथ एंडो प्लाज्मिक्रेडिकोलम की जो नेटवर्क होती है ठीक है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है वो एन एफ होती है ठीक है ना तो इस वजह से वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है सरफेस एरिया जब बढ़ जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एंजाम्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स ऑफ द एज़ाम्स होते हैं वो वहाँ पर एक्शन करने के लिए या स्टोरेज करने के लिए सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है तो ऐजीली अपना काम कर सकते हैं दी एस ई आर इज़ लेस स्टेबल और ये भी याद रखना कि स्मूथ एंडो प्लाज्मिक्रेडिकोलम जो है है, ये है, होते हैं ओके एम सिक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है दी एस एस प्रोटीन सब्सटांस टेक प्लेस स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेडिकोलम जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स है कि वो नॉन प्रोटीन सब्सटांसिस की सेंथिस करता है जिस तरह लैपिड है उसकी सेंथिस कौन करता है स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेडिकोलम एंड सेल्स अब हम पढ़ते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेडिकोलम आर ई आर सरफेस ऑफ द आर ई आर इस्टेड विद रेबोसोम गेविंग एट आर रफ Rough रफ एंडो प्लाज्मिक की जो सरफेस होती हैं वहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इस वजह से ये रफ अपियरेंस दे, देता है इट मेनली consists ऑफ सिस्टर्निया और RER जो हैं ये cisternia से बना होता है मेनली दी मेम्ब्रेन ऑफ द आर ई आर फॉर्म लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट्स और आर ई आर का जो मेम्ब्रेन होता है वो लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट्स बनाता है which इज़ लोकेटेड नियर एंड continuous with the आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर envelope जो कि क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलेब के आउटर लेयर के साथ कंटिन्यूस होता है रफ़ एंड प्लाज्मिक रेडिकोलम याद रखना रफ एंड प्लाज्मिक रेडिकोलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देंथिस एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की सेंथिसिस कौन करता है आर ई आर और इसकी पैकिंग कौन करता है आर ई आर एट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एम सी क्यूज फॉर एग्जाम्पल बॉडीज ऑफ प्लाज्मा नेजल सेल, ये कौन बनाता है और, ये और बनाता है बाइंडिंग साइट ऑफ द रब आन द रफ एंडो प्लाज्मिक्रेटिकोलम इज द ट्रांसलोकॉन ठीक है ना रफ एंडो प्लाज्मिक्रेटिकोलम के वो पॉइंट वो साइड जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होता है जहाँ पे राइबोसोम्स बाइंड होता है उस बाइंडिंग साइट को हम कहते हैं ट्रांसलोकान इज आल्सो इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट फॉर इम्स्यूज ओके दिबसो बाउंड आर आर एट एनी वन टाइम आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओके बिकॉज राइबोसोम्स आर कॉन्स्टेंटली बींग बाउंड एंड रिलीज फ्राम द मेम्ब्रेन। ओके राइबोसोम्स ओनली बाइंड टू दर ई आर वंस अ स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन दी साइटोसोल कहते हैं कि राइबोसोम्स तब बाइंड होता है आर ई आर के साथ जब साइटोसोल में कोई प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कम्पलेक्स बन जाता है दिस स्पेशल कॉम्प्लेक्स फॉर्म वेन अ फ्री रॉइबोसोम बी गेन ट्रांसलेटिंग दर आर एन एफ अ प्रोटीन फॉर पाथवे द स्पेशल कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तब एक फ्री जो है वो ट्रांसलेटिंग करता है फर्स्ट फाइव टू थर्टी अमाइनो एसिड पोलिमराइज एन कोड सिंगल पेप्टाइड अ मलिकुलर मैसेज दिट इज रिकोगनाइज एंड बाउंड बाई अ सिंगल रिकोग पार्टिकल ओके okay, ये जो आ, स्लाइड है आ, जो हमने अभी ये पढ़ी दरसोस बाउंड आर ई आर यहाँ से लेकर एस आ, एस आर पी सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल तक ये जो स्लाइड है ये नाइन्थ नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट ना देखें क्योंकि ये बहुत डीप बात की गई है ये आप लोग आगे जाके समझ पाएंगे ओके okay, और ये भी सेम है द रबोसोम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कहते हैं कि एंडोप्लाजिक रेडिकोलम के साथ जो रॉबोसोम अटैच होते हैं वो कौन से प्रोटीन्स क्या सेंथिसाइज करते हैं ट्रांस प्रोमेम्ब्रेन प्रोटीन सेंथिसाइज करते हैं मोस्ट सिक्रीटेड प्रोटीन्स डेट आर स्टोर्ड इन दिकोलॉजी ऑपरेटर एंड एंडोसोम और वो ज़्यादातर रॉबोसोम जो है ये रफ uh, एंड सेक्रेटरी के साथ जो अटैच होते हैं ये ज़्यादातर कौन से प्रोटीन सेक्रेटेड प्रोटीन जो कि गोल्ज ऑपरेटर्स लाइसोम और एंडोसोम में स्टोर्ड होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं ट्रांसलेशन पॉजेज एंड दी राइबोसोम्स कॉम्प्लेक्स बाइंड टू दर ई आर ट्रांसलोकॉन ओके प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन करता है एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम करता है एस प्रोटीन आर फॉर्मड इन द डोप्लाज्मिक रेटिकोलम जब बन जाते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द टूल और पेरी ट्रूब्यूज तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टूवर्ड प्रोटीज ऑफ द आज ई आर दैट लाई नियरेस्ट टू गॉल्जियापरेटस राइट एट दिस पॉइंट स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेदिकल कम्पोज ऑफ स्मॉल स्माल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम्यूली ब्रेक अवे एंड डिफ्यूज टू डिपेस्ट लेयर देश लेपरेट तो इसी पॉइंट पे स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो जो कि किस चीज़ से बना होता है स्मॉल एंड होता है स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेडिकोलम का वो ब्रेक हो जाता है एंडोप्लाजमिक रेडिकोलम से और गॉजी ऑपरेट ऑपरेटर जो है उसकी डिपेस्ट लेयर तक डिफ्यूज हो जाता है इनसाइड दिस वेजिकल अब इस वेजिकल के अंदर क्या होता है आरसेंथिस प्रोटीन या जो प्रोटीन्स बने होते हैं वो होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं राइट एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम से ओके okay, अब ट्रांसपोर्टेड वेजिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय कोटिंग प्रोटीन कॉल्ड सी ओ पी वन एंड सी ओ पी टू यानी को एट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट वेहिकल जो होते हैं इसको सराउंड किया होता है प्रोटीन कोट ने जो कि बना होता है वो प्रोटीन कोट सी ओ पी वन और सी ओ पी टू से सी ओ पी टू टारगेट्स वेजिकल टू दाजी ऑपरेटस सी ओ पी टू जो होता है वो वेजिकल को टारगेट करता है गाजी अपरेटस तक ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम द आर ई आर टू गोजी ऑपरेट और क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स जो है वो आर ई आर से गोजी ऑपरेटस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं दिस प्रोसेस इज टर्म एज एंटीरोड ट्रांसपोर्ट और इस प्रोसेस को एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है सी ओ पी वन का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं उस प्रोटीन्स को सेज इन ऑफ द गजी कॉम्प्लेक्स बेक टू द आर ई आर ठीक है ना वो क्या करता था सी ओ पी टू जो है वो वो क्या करता है आर ई आर से गाजिया पर्यटक तक लेके जाता है और सी ओ पी वन जो है वो गाजिया ऑपरेटर्स के सज इंड से आर ई आर को लेकर आता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ये भी इम्पोर्टेंट है ओके okay. ये स्ट्रक्चर है आप लोग खुद ही समझें अगर अगर समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में पूछें सेकेंड मेथड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वॉज एरियाज कॉल्ड मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट साइड ये ऐसे साइड्स होते हैं एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे क्या होते है? जहां पे होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है आउट ऑफ द एंडो प्लाज्म

रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाजिक रेडिकोलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेडिकोलम और सरको प्लाज्मिक रेडिकोलम के फंक्शंस पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेडिकोलम के फंक्शंस क्या है सरफेस फॉर राइबोसोम्स द आर ई आर प्रोवाइड स्पेस एंड एंडो राइबोफोरिन फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू एट सेल्फ और बिल्कुल कहते हैं कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेडिकोलम जो है ये एक ये कि ये स्पेस प्रोवाइड करता है और दूसरा ये कि राइबोसोम्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है यानी नी रोफोरिन ओके सरफेस फॉर प्रोटीन सेंथसिज यहाँ पे प्रोटीन की सेंथिस होती हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है राइट लिंकिंग ऑफ शुगर्स टू फॉर ग्लाइकोप्रोटीन स्टार्ट विद दी आर ई आर एंड इज़ कम्प्लीटेड इन गॉजी गॉलि कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आर ई आर में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जो है यानी वो शुगर जो है वो बर्न हो जाते हैं और फिर उससे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और ये प्रोसेस कहाँ पर कम्प्लीट होता है गोलजी कॉम्प्लेक्स में कम्प्लीट होता है सेंथिस ऑफ़ प्रीकरसर द आर ई आर प्रोड्यूस इन जाइन प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोन्स बाईगलॉजी कम्प्लेक्स यानी गोलॉजी कम्प्लेक्स से क्या बनते हैं लाइसोसोन्स बनते हैं तो उसके लिए जो प्रीकर्सर रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं वो आर ई आर पे बनते हैं स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेडिकोलम फार्मेशन द आर ई आर गिव राइज टू द स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेडिकोलम बाई लासाफ्राइबसोन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाजिक जो है वो भी आर ई आर ही बनाता है जब वो क्या कर लेता है लॉस ऑफ रेबोसोम्स कर लेता है ओके अब हमारे पास है कि एस ई आर का फंक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि द स्मूथ एंडो प्लाजिक रेडिकोलम लेक्स रेबोसोम्स एंड फंक्शन एंड लेपिड मेटाबॉलिज्म ये क्या करता है लेपिड मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है स्पेशली एबंडेंट एंड ममेलियन लिवर लीवर से लीवर सेल्स में एंड गोनेड सेल्स में क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है ठीक है ना इट आल्सो सिंथिसाइज फासपेड और ये फास्ट को भी क्या करता है सिंथिसाइज करता है सेल्स वे क्रिएट दिस प्रोडक्ट सच इज दोज इन द टेस्टिस ओवरीज एंड स्किन ऑयल ग्लैंड हैव अ ग्रेट डील ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो सेल्स जो कि क्या करते हैं प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करते हैं जिस तरह टेस्टिस ओवरीज है स्किन ऑयल ग्लैंड्स हैं ठीक है ना वो काम वो ये काम किसका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम का है तो ये आज का हमारा टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेडिकोलम और उसके टाइप्स और उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं ठीक है ना अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ पूछ जाएगा और लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ओके थैंक यू